विवेक कौशल जिन्होंने अपनी फिल्मों से हम सभी का दिल जीत लिया है, अपनी एक अलग ही पहचान हम सभी के दिल में बना चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं की यानी कि विकी कौशल की अपकमिंग फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो कि तबाही मचाने वाली है 2023 से लेकर 2025 में। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी तगड़ी तगड़ी फिल्में आने वाली है विकी कौशल की। वीडियो बिना स्किप के पूरा देखना, मजा आ जाएगा कसम से यार। नंबर वन पे सैम बहादुर। ये फिल्म एक बायोपिक फिल्म होने वाली है। विकी कौशल ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले किया था, उसी तरह विकी कौशल इस मूवी में भी हम सभी को आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म इंडिया के सबसे ब्रेवेस्ट हीरो सैम मानिक जी की कहानी पर बेस्ड होने वाली है। बात करें इस फिल्म के बारे में तो यह फिल्म में हम सभी को दिखाया जाएगा कि उनके वजह से 1971 ईयर में भारत पाकिस्तान से कैसे जीता था। एंड इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं मेघना गुलजार। इस फिल्म में हम सभी को विकी कौशल के साथ फातिमा शना शेख एंड शानिया मल्होत्रा लीड रोल में दिखाई देंगी। बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की तो ये फिल्म हम सभी को 1 दिसंबर 2023 को देखने को मिल जाएगा थिएटर्स में। नंबर टू पे तख्त। ये फिल्म एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस मूवी का अनाउंसमेंट बहुत पहले ही कर दिया गया था। बात करें इस मूवी के बारे में, इस मूवी में हम सभी को तख्त के लिए दो भाइयों की लड़ाई दिखाई जाएगी और हम सभी के प्यारे विकी कौशल इस फिल्म में हम सभी को औरंगजेब का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। एंड इस फिल्म में हम सभी को विकी कौशल के साथ रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और जाह्नवी कपूर भी नजर आने वाली है लीड रोल में। रणवीर सिंह इस फिल्म में औरंगजेब के बड़े भाई का रोल निभाने वाले, यानी कि विकी कौशल के बड़े भाई फिल्म में होने वाले रियलिटी में नहीं। इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं करण जौहर। बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की तो ये फिल्म हम सभी को 2023 में देखने को मिल जाएगी थिएटर्स में। मुगल शहजादों के लिए तख्त का रास्ता अपनों के ताबूत से होकर जाता था। नंबर थ्री पे द ग्रेट इंडियन फैमिली। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो इस फिल्म के बारे में अभी उतना पता नहीं चला है, जैसे पता चलेगा हम आप सभी को अपडेट दे देंगे। इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं विजय कृष्णा जिन्होंने धूम और धूम 2 जैसी कमाल की फिल्में बना चुके हैं और अब ग्रेट इंडियन फैमिली फिल्म बनाने वाले हैं। इस फिल्म में हम सभी को विकी कौशल के साथ मानसी चिल्लर दिखाई देंगी लीड रोल में। बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की तो फिल्म हम सभी को 2023 में देखने को मिल जाएगी थिएटर्स में। नंबर 4 पे द इमॉर्टल अश्वत्थामा। इस फिल्म की भी अनाउंसमेंट बहुत पहले ही कर दिया गया था। आप सभी को पता ही होगा कि इस फिल्म को लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन किया गया था। बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो ये फिल्म महाभारत के अश्वत्थामा की स्टोरी पर बेस्ड बताई जा रही है और इस मूवी में महाभारत के काफी सारे रेफरेंस नजर आने वाले हैं और विकी कौशल दिखाई देंगे इस फिल्म में अश्वत्थामा के रोल में। एंड अश्वत्थामा इस टाइम पर कैसे दुनिया का सुपर हीरो बनता है वो भी दिखाया जाएगा। इस फिल्म में हम सभी को विकी कौशल के साथ सारा अली खान नजर आएंगी लीड रोल में। इस फिल्म को आदित्य धूरी डायरेक्शन देने वाले हैं जो कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बहुत ही कमाल की बवाल फिल्म बना चुके हैं, अब वही इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले, तो सोच सकते हो कितनी औसम ये फिल्म हो सकती है। बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की तो ये फिल्म हम सभी को 2024 में देखने को मिल जाएगा थिएटर्स में। नंबर 5 पे डंकी। डंकी एक सोशल ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के लीड रोल में हम सभी को शाहरुख खान, तापसी पन्नू, भुवा मिरानी और विकी कौशल नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे राजकुमार हिरानी जिन्होंने मुन्ना भाई MBBS, 3 Idiots, PK जैसी बहुत बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी फिल्में ऑलरेडी बना चुके हैं, अब ये डंकी जैसी फिल्म के साथ आ रहे हैं। तो आप सभी को कमेंट में बताना है ये फिल्म चल पाएगी, बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा पाएगी कि नहीं, आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है। बात करें इस फिल्म की तो ये फिल्म की शूटिंग काफी जोरों शोरों से चल रही है। इस फिल्म का अनाउंसमेंट भी काफी पहले कर दिया गया था। बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की तो फिल्म हम सभी को 22 दिसंबर 2023 में देखने को मिल जाएगी थिएटर्स में। ये थी विकी कौशल की आने वाली 5 कमाल की तगड़ी तगड़ी फिल्में जो कि 2023 से लेकर 2024 के बीच में आने वाला है और इस फिल्म से फैंस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। तो आप सभी कौन से मूवी का वेट कर रहे हैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।